हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट स्टूडेंट खबरी। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि एमपी का जो नीट है उसका राउंड 3, जिसको हम मॉपअप राउंड भी कहते हैं, वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। इनफैक्ट शुरू हो गया उसका रजिस्ट्रेशन करना। तो एक बार चेक कर लेते हैं उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर एक शेड्यूल आ गया है, नया शेड्यूल आ गया है। कुछ जो डेट्स वगैरह हैं वो एक्सटेंड हो गई है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या डेट एक्सटेंड हुई है। और साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सही चॉइस फिलिंग करना, क्योंकि थर्ड राउंड है ना। अगर आपने फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करी थी बट नहीं अलॉट हुआ कोई भी कॉलेज, तो कोई बात नहीं, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है जो मैं लेकर आ गई हूँ आप सबके साथ, जो मैं आपको शेयर करूँगी वीडियो के बीच में ही, तो बने रहना। तो चलिए फिर एक बार देख लेते कि क्या शेड्यूल है, कौन सी डेट पर रजिस्टर करना है, उसके बाद चॉइस फिलिंग कब करनी, तो सारा एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट्स ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, फर्स्ट राउंड हो गया, सेकेंड राउंड हो गया, अगर नहीं रजिस्टर किया है तो अभी आप कर सकते हो। इसका जो रजिस्ट्रेशन की डेट थी वो 29 अगस्त से तो शुरू हो चुकी है, एंड आई गेस आप में से बहुत से लोगों को ये पता भी होगा, लेकिन अगर जिसको नहीं पता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रजिस्टर कर लेना। और जब बात की जाए इसकी लास्ट डेट की, कब तक रजिस्टर कर सकते हैं, तो 7 सितंबर के रात के 12 बजे तक, इनफैक्ट 11:59 तक आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। तो अगर रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी से जाके रजिस्टर कर लो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, जैसे ही रजिस्टर करते हैं, और हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है उनको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, बट जिनने नहीं किया है उनको रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है, जो भी रजिस्टर जैसे ही कर लेते हैं तो 8 सितंबर को आ जाएगी रिवाइज स्टेट मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स लिस्ट। तो जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो लिस्ट आ जाएगी, तो वो भी चेक कर लेना। और सेम डे 8 सितंबर को ही वैकेंसी की जो लिस्ट है वो भी पब्लिश हो जाएगी, कितनी सीट्स बाकी हैं, कौन सी ब्रांच के लिए बाकी है, वो भी आ जाएगा। तो ये एक ये सही तरीका रहेगा कि फिर आपको ये पता रहेगा कि कहाँ पे कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स बाकी हैं, क्योंकि अभी 2 राउंड्स हो चुके हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन भी ले लिया है सारी ब्रांचेज में, तो इससे क्या होगा ना कि ये एक आइडिया आ जाएगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स बाकी हैं, कौन सी ब्रांच बाकी है। और अगर आप चाह रहे हो उनमें से कोई कॉलेज में एडमिशन लेना, तो अपनी चॉइस फिलिंग जब करोगे तो ध्यान से उस चीज़ को ध्यान में रख के अपनी चॉइस फिलिंग करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है चॉइस फिलिंग करना। चॉइस फिलिंग जो होती है उसको ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रहे हैं, फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ था, सेकंड राउंड में भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, और इनफैक्ट वो कमेंट्स में भी यही बताते कि मैम गलत चॉइस फिलिंग कर दी थी, सही चॉइस फिलिंग कैसे करनी चाहिए। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि कैसे सही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बताऊँगी, आपको ये फॉलो करनी है। तो यहाँ पर आप जैसे गूगल पर टाइप करते हो courses.studentkhabri.com, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दी गई है, तो आप डायरेक्टली अगर उस पर भी क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ पे मेडिकल में ऑप्शन है, रैंक प्रिडिक्टर है, चॉइस फिलिंग टूल है। चॉइस फिलिंग टूल को जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे सारे स्टेट वाइज जितने भी चॉइस फिलिंग टूल है यहाँ पे आ गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के जो चॉइस फिलिंग टूल है उसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है मध्य प्रदेश का चॉइस फिलिंग टूल। अब क्या करना है, तो यहाँ पे आपको कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन होगी जो पुट कर लेनी है, जैसे कि रैंक हो गई, कैटेगरी होगी। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रैंक डाल रही हूँ 7800 डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं ब्रांच में BDS है, MBBS है, तो मैं यहाँ पे ऑल ब्रांचेस के लिए जनरेट करने वाली हूँ। अगर आपको BDS पर्टिकुलरली BDS का देखना है, MBBS का देखना है, तो वो भी पुट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में कैटेगरी में OBC है, SC ST जो भी कैटेगरी है यहाँ पे पुट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कौन सी कैटेगरी रखूँ, तो मैं यहाँ पे अनरिजर्व्ड रख लेती हूँ फॉर एग्जांपल। बाकी आपको अपनी कैटेगरी पता ही है, तो आपको वो पुट कर लेनी है, और उसके बाद जनरेट कर लेनी है कॉलेज की लिस्ट। अब जितने भी मध्य प्रदेश के कॉलेजेस हैं मेडिकल के, उसकी जो लिस्ट है यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई है। तो मैं यहाँ पे एक एक करके सारे कॉलेजेस सिलेक्ट करती जाऊँगी। आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे वैकेंसी की जो लिस्ट है वो भी पब्लिश होने ही वाली है 8 सितंबर को, तो आपको उसमें से चेक कर लेना है कौन से कॉलेजेस अभी भी बाकी है जिनमें सीट्स वगैरह बाकी है, तो उससे चॉइस फिलिंग जो होगी करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक एक करके कॉलेजेस सिलेक्ट करती जाऊँगी। मैं ऐसी रैंडमली सिलेक्ट कर रही हूँ, बट आपको ऐसे रैंडमली सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। सही चॉइस फिलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे सारे कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जनरेट चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक कर लूँगी। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे मुझे कुछ कलर्स दिख रहे हैं जितने भी मैंने अभी कॉलेजेस सिलेक्ट किए थे। अब उनमें सारे कलर्स आ गए, जैसे कि येलो,
तो ये जो येलो है इसका मतलब ये है कि जो मिलने की चांसेस है इस कॉलेज के वो 50-50 है, कि हो भी सकता है वो कॉलेज मुझे अलॉट हो जाए, हो भी सकता है मुझे नहीं हो, गारंटी नहीं है, बट है कि मतलब है 50-50 है कि मिल सकता है। तो मैं अपनी चॉइस लेंगे अगर करने वाली होंगी तो मैं इसको पुट कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद ग्रीन का मतलब होगा कि चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं कि मिल तो सकता है, लाइक ये कॉलेज है कि मिल सकता है, तो चॉइस फिलिंग अगर मैं करती हूँ इन कॉलेजेस को मैं पुट करती हूँ अपनी चॉइस फिलिंग में, तो है थोड़ी सी गारंटी है कि वो मुझे मिल जाएगा। और रेड का मतलब होगा कि नहीं मिलेगा, चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम है कि वो कॉलेज अलॉट होंगे। तो एक तरीके से मुझे थोड़ा सा आइडिया आ गया कि मैं अगर चॉइस फिलिंग कर रही हूँ तो मैं उसे नहीं पुट करूँ, है ना। इस तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसका यूज़ करके आप भी अपनी चॉइस फिलिंग जो है उसको बनाओ, जनरेट करो, और ये देखो कि जो भी वैकेंट सीट्स हैं उसमें अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको कॉलेज अलॉट होगा या नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, चॉइस फिलिंग हो गई, अब चॉइस लॉकिंग कब करनी है वो भी देख लेते हैं। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग आप शुरू कर सकते हो 9th of September से 12th of September तक, रात के 12 बजे तक। तो रात के 12 बजे तक रुकना नहीं है, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी चॉइस फिलिंग करनी है, लॉकिंग करनी है, एंड देन डन विथ इट। क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए एकदम लास्ट में, अगर मैं सोचूँ 11:30 बजे लॉक कर देंगे तो नहीं, ऐसा मत करो, जल्दी घटो, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट है रिज़ल्ट, जिसका वेट सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं इतने दिनों से कि अभी थर्ड राउंड आने वाला है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, चॉइस फिलिंग करनी है, लॉक भी करना है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस जो होता है, उसका जो रिज़ल्ट है जो फाइनली आने वाला है मॉपअप राउंड का जो अलॉटमेंट रिज़ल्ट है वो आ जाएगा 15th of September को। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट उस दिन जो बहुत ही ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स उसी में बिजी रहेंगे, उस पर चेक करते रहेंगे रिज़ल्ट आया नहीं आया, आया नहीं आया। तो 15th of September है, जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो जाके वहाँ पे चेक कर लेना कि कॉलेज अलॉट हुआ है नहीं हुआ है, और अगर नहीं भी हुआ होगा तो कोई बात नहीं, बट अगर हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जैसे ही रिज़ल्ट आता है 16th of September से 21st of September को क्या करना है, ये नहीं कि रिज़ल्ट आ गया डन ख़त्म, नहीं, एडमिशन भी तो लेना है कॉलेज में, तो रिपोर्टिंग करनी है अगर आपको मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज जो भी अलॉट हुआ है वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है इन पर्सन, मतलब कि आपको वहाँ पे जाना है खुद, आपको अपने आप को लेके वहाँ पे जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वहाँ पे अपलोड किए हैं वो लेके जाना है, वहाँ पे वेरीफाई करवाना है। जैसे ही वो वेरीफाई होते हैं आपका एडमिशन हो जाएगा वहाँ पे, हो सकता है फ़ीस वगैरह भी पे करना हो, एवरीथिंग यू विल नो। तो वो सारी चीज़ें जैसे ही करते हैं सब कंफर्म होता है, उसके बाद आपका एडमिशन हो गया है, फिर आपको फाइनली कॉलेज मिल गया है। तो इस तरीके से इसका पूरा शेड्यूल है। अब आप एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे खुद से भी जाके चेक कर लो, सारी डेट्स नोट डाउन कर लो, सो दैट कोई भी चीज़ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए। बेटर होगा कि कहीं पे लिख लेंगे, सब कुछ याद रहेगा कि कब क्या करना है, क्योंकि जो डेट्स है सारी बहुत इंटरलिंक्ड है, एक के बाद एक सारा होते जा रहा है, तो इस तरीके से थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप चाह रहे हो और नीचे रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो क्या करना है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नीट स्टूडेंट खबरी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।